आज की जो मीटिंग रही है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने तो देख लिया होगा मीटिंग का जज्बा भी देख लिया होगा, कितने लोग हैं है? सर 2024 में सरकार बनेगी या कैसे रहेगा? सरकार बनाएंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनने की। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी जिसके बिना आने वाले चुनाव में सरकार किसी और की बनने की नहीं, अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से बनेगी। बीएसपी के लिए और भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बीएसपी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है और हमारी पार्टी पर फड़ लग रहा है तो हमें झुक जाना चाहिए और भाईचारे से हम लोग काम करना चाहेंगे। सर सर समाज का भाईचारा बन रहा है? बनना है, बना रहे हैं, बना भी रहा है और बना भी रहे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी जैसे बोलते हैं कि 400 पार उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो हवा हवाई है सुन कर नारा जो है इस बार, हवा हवाई है इस बार नहीं होने का, सब लोग नाराज है। महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आप देख रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को उनकी MSP नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, धरना दे रहा है, हत्याएं हो रही है, आत्महत्या कर रहा है किसान, तो और इससे ज़्यादा क्या होगा इस सरकार में। इंडिया गठबंधन जैसे कह रही थी पहले कि बसपा हमारे साथ गठबंधन करेगी और हमारे साथ आएगी, उस पर क्या कहोगे सर? कौन कह रहा था? हमने कहा इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बनाया था जैसे उसमें से नीतीश वगैरह थे, काफ़ी लोग इधर उधर हुए हैं। इंडिया गठबंधन में जो लोग आए थे वही सड़क के, इंडिया गठबंधन में रहा कौन? तो सब साफ है, सुपड़ा साफ होगा इंडिया गठबंधन का। जिला महासचिव, जिला महासचिव, तो आप आज की जो सभा हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने जनता का रुख देख लिया और अब से पहले जो प्रत्याशित है, मैं अपने गांव की बता दूं कि मेरा गांव कीवाना है, वहां से पूर्व प्रधान हूँ, वो स्वप्न में भी दिखाई नहीं दिया प्रत्याशी, उसने तो ऐसा भी नहीं सोचा कि चलो रात हम निकलते हैं, वहाँ बाथरूम ही करिए उस गाँव में, ना कहीं सड़क ठीक है, ना कहीं नाली है, मतदान केंद्र की भी वो कंडीशन है वो गिरने की स्थिति में, जहाँ पहला गांव के लोगों ने वोट किया था उसे वो जीत गया था किसी कारणवश, धोखे से वोट लेकर फर्जी आश्वासन लोगों को देकर, और उसको हर समाज में विरोध है प्रत्याशी का। आप प्रदीप चौधरी का देख लो, हर समाज में उसका विरोध है, गुज्जर समाज में उसका विरोध है, अगर उसका विरोध ना होता तो ये सर्व समाज के लोग यहाँ क्यों आते बसपा के बैनर तले? वो आपने आज देख ही लिया, वो कहीं चुनाव में भी नहीं अब की बार। बताओ आप कौन समाज में उसका विरोध नहीं है? आज यहाँ पे किस किस समाज के लोग आ रहे हैं? आज यहाँ सब समाज के लोग थे, ठाकुर समाज भी था, गुज्जर भी था, मुस्लिम भी था, आपने देख लिया सभी चेहरे। सफलता है सब बहन जी का फार्मूला है जो साहब काशीराम बहुजन समाज पार्टी को जोड़ते समय बता कर गए थे कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, वो समतामूलक समाज की स्थापना करो जहाँ समानता हो भाईचारा हो, तो आज उसी फार्मूले में बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है उसने काम किया और कैरना सीट पे जो है ठाकुर समाज से भाई श्रीपाल राणा जी को आशीर्वाद देकर आपके बीच भेजा, और ये उसी का परिणाम है कि सब समाज के लोग जुटे जैसे 2007 में जुटे थे और आज भी सब समाज के लोगों की भीड़ जुटी और श्रीपाल राणा जी को जो है अपना समर्थन देने के लिए आपके बीच पहुँचे। भारी मतों से भाई श्रीपाल राणा जी जो है सांसद बनकर आओगे, क्योंकि जो पिछली बार था सबको पता था कि भाई फर्जी आश्वासन देगा बनागा, उसके बाद कहीं निकला ही नहीं क्षेत्र में, पंच विधानसभा बताओ आप कहाँ घुमाओ, और मेरा तो गाँव ही गोद ले रखा था उसने, गोद लेने के उपरांत भी गाँव में दिखाई नहीं दिया, अब फर्जी तरीके से कहा कि नहीं मैंने काम कराए विकास कराए, बताओ आप। और रहे समाजवादी के कांग्रेस के बाद उसके पल्ला कुछ है ही नहीं, ना सपा का वोट है, कहाँ यादव वोट, यहाँ तो मुस्लिम है। चलो ठीक है, ये हमारे पास ओके, क्या नाम हो सर? मेरा नाम हरबीर सिंह, बहुजन समाज पार्टी से थाना भवन विधानसभा अध्यक्ष। तो आज की सभा के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? आज की सभा से कहने की तो जरूरत कुछ रही नहीं, इतनी बड़ी जनसभा हुई है, एक छोटी सी मीटिंग करने के वास्ते यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम किया था ये, और ये इतनी बड़ी जनसमूह जनसैलाब बनकर